नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कॉस्ट के विषय में अध्ययन करेंगे कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है द एग्रीगेट ऑफ ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज टर्म्ड एज प्राइम कॉस्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट। की डायरेक्ट मटेरियल मतलब प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम व प्रत्यक्ष खर्चे, तीनों का योग क्या कहलाएगा, प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगा। दस प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट इज सम ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट विच कैन बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड विथ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और जॉब एंड एलोकेट टू सच आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ब्रीफली अपने को समझना है कि प्राइम कॉस्ट का मतलब या डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब यहाँ पे हो गया कि जो प्रत्यक्ष रूप से उस सामग्री को बनाने में जो सामग्री लग रही है, जो कच्चा माल लग रहा है, वो जो श्रम लग रहा है वो अहम, जो प्रत्यक्ष रूप से जो खर्चे हो रहे हैं वो प्राइम कॉस्ट कहलाएगी। इनडायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड और ऑन कॉस्ट और बर्डन द एग्रीगेट ऑफ ऑल द इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज वेरियसली टर्म्ड एज ऑन कॉस्ट और ओवरहेड एंड बर्डन। ओवरहेड्स और ऑन कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट कांट बी आइडेंटिफाइड। Reasonable basis. ICMA defines overhead as follows: the aggregate of indirect material cost, indirect wages cost, and indirect expenses. Overhead की definition में क्या क्या आएगा, क्या क्या include होगा, तो यहाँ पे एक तो indirect material cost, indirect wages cost, and indirect expenses. ICMA has stated in the note appended to this definition on cost and burden as a synonyms terms which are not recommended. About the overhead, on the basis of functions, overhead is classified as factory overhead, administration and or office overhead, selling and distribution overhead. मतलब यहाँ पे overhead एक तरीके का, इसको बोलते हैं हिंदी में ऊपरी व्यय, मतलब ये खर्चा होता है जो कि एक तरीके से इनडायरेक्ट नेचर का होता है। तो ये क्या होगा कि फैक्ट्री में भी होता है, जैसे फैक्ट्री में होगा तो उसको फैक्ट्री ओवरहेड के लिए बोलेंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड जब प्राइम कॉस्ट अपने पास होगा तो उस फैक्ट्री ओवरहेड को अपन उसमें टोटल कर देंगे तो वो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। इसी प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस ओवरहेड, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में कोई या ऑफिस में कोई खर्चा हो रहा है, कोई ऊपरी हो रहा है, तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस ओवरहेड बोलेंगे। और उसके बाद में आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कि किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए या उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी खर्चा हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। दिस इज द एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द फैक्ट्री। एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिए हुए हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री एक्सपेंसेस में किस प्रकार के खर्चे आएंगे। रेंट आ गया, पावर आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया, लाइटनिंग आ गया और हीटिंग आ गया, तो इस प्रकार के खर्चे क्या होंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। अब आता है एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस ओवरहेड। ऑल द इनडायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कम अंडर दिस कैटेगरी। सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, अकाउंटेंट्स, डायरेक्टर्स फीस, रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, स्टेशनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द ऑफिस, लाइटनिंग एंड बैंक चार्जेस एक्स्ट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस ओवरहेड्स। ठीक है, जब हम क्वेश्चन दर क्वेश्चन सोल्व करते रहते हैं तो अपने को आइडिया हो जाता है कि कौन सा खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, कौन सा खर्चा एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस ओवरहेड में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया पहला
फैक्ट्री ओवरहेड, जिसमें फैक्ट्री में जिस प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं, रेंट, पावर, डेप्रिसिएशन, लाइटनिंग, हीटिंग, इस प्रकार के खर्चे क्या होंगे, फैक्ट्री ओवरहेड होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड में क्या आएगा, सैलरीज ऑफ ऑफिस स्टाफ, अकाउंटेंट सैलरीज, डायरेक्टर्स फीस, रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, स्टेशनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द ऑफिस, लाइटनिंग एंड बैंक चार्जेस आर द एग्जाम्पल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस ओवरहेड। अब आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, दिस इंक्लूड्स इनडायरेक्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। एग्जाम्पल्स आर सैलरीज ऑफ सेल्समैन, सेलिंग कमीशन, एडवर्टाइजिंग, वेयरहाउस रेंट, मेंटेनेंस ऑफ डिलीवरी वैंस, वेयरहाउस स्टाफ एक्सपेंसेस, वेयरहाउस लाइटनिंग। तो इस प्रकार के जो भी खर्चे होते जो एट द एंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट के बाद में जो भी खर्चा होगा, जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हेड जोड़ देंगे तो अपने पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, बेचने की लागत। ठीक है, अब आता है एक्सपेंसेस एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्टिंग, लागत में कौन कौन से एक्सपेंसेस एक्सक्लूड किए जाते हैं। फॉलोइंग आइटम्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट एंड कैपिटल लॉस, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, एबनॉर्मल लॉसेज, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, पेटेंट राइट ऑफ। अब अपने पास दो तरह के लॉसेज, दो तरह की आय होते हैं, कैपिटल लॉस होता है, कैपिटल गेन होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू लॉस होता है। इस तरीके से अपने पास तो रेवेन्यू क्या होता है कि रेवेन्यू एक स्पेसिफिक ईयर में क्या होता है, उसका कंजम्पशन हो जाता है या वो एकदम शॉर्ट टर्म टाइप का होता है। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का अपने को निरंतर उस प्रक्रिया में लाभ मिलता रहेगा, वो एक लंबे समय के लिए, जीवन काल के लिए वो असेट्स रहती है। मतलब किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए पेन खरीद रहे तो वो एक रेवेन्यू टाइप का एक्सपेंडिचर है, एक मशीनरी खरीद रहे हैं जो प्रोडक्शन के काम में आ रहे तो वो एक कैपिटल टाइप का है, क्योंकि वो उस स्पेसिफिक ईयर में ना होके कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो इस प्रकार के यदि कोई खर्चे होते कैपिटल कॉस्ट के, कैपिटल लॉस के, तो इनको क्या करेंगे, कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व, इनकम टैक्स, डिविडेंड एंड बोनस टू शेयर होल्डर्स, ये भी नहीं करेंगे। कॉस्टिंग फाइनेंशियल आइटम्स लाइक केस डिस्काउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ऑन कैपिटल, तो इस प्रकार के एक्सपेंसेस क्या करेंगे, एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्टिंग। ए कॉस्ट इज कंपोज ऑफ थ्री एलिमेंट्स, मैंने बताया मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। ईच ऑफ दीज थ्री एलिमेंट्स कैन बी तो उसमें एक प्रकार का मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस डायरेक्ट टाइप के होते हैं। उसके बाद में इनडायरेक्ट, जैसे एक लेबर यदि उस वस्तु को बनाने में लग रहा है तो वो डायरेक्ट लेबर हो गए, वेजेस हो गए एक तरीके से। और जैसे ऑफिस में कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, द फॉलोइंग आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। पहला है डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट मटेरियल्स आर दोज मटेरियल विच कैन बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड विद एंड अलोकेट टू कॉस्ट यूनिट्स। डायरेक्ट मटेरियल्स जनरली बिकम्स ए पार्ट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स आर लेदर इन शू मेकिंग। अब देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे शू मेकिंग के लिए क्या होगा, लेदर क्या होगा, एक डायरेक्ट मटेरियल होगा। क्ले इन ब्रिक्स, क्लॉथ इन गारमेंट्स, टिम्बर इन फर्नीचर एक्सट्रैक्ट। हाउएवर इन मेनी केसेस दो मटेरियल फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, येट इट इज़ नॉट ट्रीटेड एज डायरेक्ट मटेरियल। नेल्स इन फर्नीचर, थ्रेड्स यूज इन स्टिचिंग शूज, दिस इज बिकॉज वैल्यू ऑफ सच मटेरियल इज सो स्मॉल दैट इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट एंड फुटाइल टू मेजर देम। सच मटेरियल्स आर ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट मटेरियल्स। फिर आता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ वेजेस पेड टू वर्कर्स डायरेक्टली एंगेज्ड इन द कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। जो लेबर ऐसे काम में लगी हुई है जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में चेंज कर रही है, तो उसको डायरेक्ट लेबर बोलेंगे, है ना। ठीक है, जैसे फैक्ट्री वगैरह में जो भी व्यक्ति काम करता है तो एक तरीके से डायरेक्ट लेबर कहलाता है। और एक ऑफिस में काम कर रहा है जो मतलब अकाउंटिंग संभाल रहा है, तो इस प्रकार का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। दीज वेजेस कैन बी कन्वेंटली आइडेंटिफाई विद ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट जॉब एंड प्रोसेस। वेजेस पेड टू मशीन ऑपरेटर इज केस ऑफ डायरेक्ट वेजेस।
direct material and direct labor that are special incurred for a particular product or process. For example, cost of special modules and patents, cost of patents, royalties, hire charges of plants for a particular job or contract are direct expenses. ठीक है, इस प्रकार के खर्चे क्या होंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे. द एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज टर्म्ड एज प्राइम कॉस्ट. मैंने बताया प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो प्राइम कॉस्ट क्या होगा? प्राइम कॉस्ट में क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अब यहाँ पे डायरेक्ट से क्या मतलब है? डायरेक्ट से मतलब ये होगा कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए जिस मटेरियल की आवश्यकता होगी तो वो डायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा. ठीक है, और उस प्रोडक्ट को फिनिश गुड्स में चेंज कर रहा है जो लेबर, क्या कहलाएगा? डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस. और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो वहाँ पे एक्सपेंसेस खर्च हो रहे हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो इस प्रकार से प्राइम कॉस्ट इन तीनों का टोटल क्या कहलाएगा? प्राइम कॉस्ट कहलाएगा. अब आता है ओवरहेड. ओवरहेड इज द टोटल ऑफ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्टेज. इट इज डिफाइंड एज द एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल इंक्लूड लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ओवरहेड इज नोन एज ऑन कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट एंड बर्डन. ओवरहेड दस कंसिस्ट ऑफ थ्री एलिमेंट्स. ठीक है, अब यहाँ पे ओवरहेड मतलब ऊपरी व्यय, मतलब एक प्रकार के एक्सपेंसेज होंगे जिनको अपन अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. अब यहाँ पे आगे इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये ओवरहेड का पार्ट है. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे डायरेक्ट मटेरियल को अपन जब प्राइम कॉस्ट का कैलकुलेशन करें तो डायरेक्ट कोई कपड़ा बना रहे हैं तो इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब जैसे धागा है तो वो किस में आएगा? ओवरहेड, ओवरहेड में आएगा. इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. इनडायरेक्ट मटेरियल, दीज आर दोज मटेरियल विच कांट बी कन्वेंटली आइडेंटिफाइड विद इंडिविजुअल कॉस्ट यूनिट. दीज आर जनरली माइनर इन इम्पोर्टेंस. एग्जाम्पल आर कोल, लुब्रिकेंट ऑयल, सैंड पेपर, सोप एक्सेट्रा. फिर आता है इनडायरेक्ट लेबर. इट इज ऑफ द जनरल कैरेक्टर एंड कांट बी कन्वेंटली आइडेंटिफाइड विद ए पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट. इनडायरेक्ट लेबर इज नॉट डायरेक्टली एंगेज इन प्रोडक्शन बट ओनली इनडायरेक्टली बेस असिस्ट इन प्रोडक्शन ऑपरेशन. एग्जाम्पल आर पियोन, सुपरवाइजर, क्लर्क, वॉचमैन. मैंने पहले ही बता दिया कि आपको कि जो भी इनडायरेक्ट तौर पे जो पर्सन उस यूनिट में काम कर रहे हैं वो तो इनडायरेक्ट लेबर की डेफिनेशन में आएंगे. अब आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट अदर देन इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट आर टर्म्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. दिस कांट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाई विद ए पर्टिकुलर जॉब, प्रोसेस और वर्क ऑर्डर. आर कॉमन टू कॉस्ट यूनिट्स एंड कॉस्ट सेंटर्स. एग्जाम्पल्स आर रेंट एंड रेट्स, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, पावर, लाइटनिंग, कार्टेज, एडवर्टाइजिंग. इस प्रकार के जो भी खर्चे होंगे वो क्या हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे. कि जैसे क्या होगा, रेंट एंड रेट्स है अपने पास, इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन है, पावर है, लाइटनिंग है, कार्टेज है या एडवर्टाइजिंग है. इस प्रकार के खर्चे क्या होंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रकृति के होंगे. ठीक है, थैंक यू.